बिहार में मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हुआ था और आज 22 फरवरी को संपन्न हुआ। वहीं छपरा जिला के अमनौर प्रखंड अंतर्गत अमनौर इंटर कॉलेज में एक कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराई गई। इस परीक्षा में 1344 छात्राएं भाग ली, जिसमें प्रथम पाली में 624 एवं दूसरी पाली में 2720 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया। कहीं ना कहीं बच्चों के अभिभावक ने राहत की सांस ली। वहीं अमनौर इंटर कॉलेज में अंतिम दिन परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन द्वारा चौकसी बरती गई, क्योंकि अंतिम दिन बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं और शरारत करने लगते हैं। इसको देखते हुए अमनौर प्रशासन एवं दंडाधिकारी के रूप में अमनौर CO काफ़ी चौकस नजर आए। सेकंड पाली देने के बाद बच्चे जैसे ही बाहर निकले, अधिकांश के चेहरे पर गुलाल लगा हुआ था, जिससे ऐसा प्रतीत होता है अभ्यर्थियों के द्वारा अपने आप में खुशी का इजहार किया गया। साथ ही सफल परीक्षा होने पर खुश दिखे हुए इंटर कॉलेज से केंद्र अधीक्षक के रूप में राजेश कुमार सिंह से बात किया नेशनल खबर 9 के रिपोर्टर मनोज कुमार सिंह ने, और जानने का प्रयास किया कि किस मैट्रिक के परीक्षा में कितने बच्चे शामिल हुए हैं एवं कैसे कदाचार मुक्त परीक्षा कराने में सफल हुए। साथ ही उनसे पूछा गया कि परीक्षा में सम्मिलित वीक्षण कार्यों में जिन शिक्षिकाओं का ड्यूटी लगा हुआ था, अंतिम दिन जो राशि सरकार के द्वारा निर्गत की जाती है शिक्षकों के नहीं मिल पाया, क्या कारण रहा, इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। अमनौर इंटर कॉलेज में एग्जाम था, कितने बच्चे सम्मिलित हुए थे? मेरे परीक्षा केंद्र पर कुल 1344 स्टूडेंट छात्राएँ सम्मिलित हुई, जिसमें पहली पाली में 624 और द्वितीय पाली में 720 छात्राओं ने परीक्षा दिया। और मेरे यहाँ का परीक्षा बहुत अच्छा से कदाचार रहित और शांतिपूर्ण वातावरण में, और इसके लिए हमने अलग से प्रिपरेशन किया इस सेंटर पर, क्योंकि ये सेंटर जो है सो छपरा जिला का जो है सबसे रिमोट परीक्षा केंद्र था और ये मेरे लिए पहला अनुभव था। लेकिन इसको हमने बहुत अच्छा चैलेंज के तौर पर लिया, और बच्चियों के परीक्षा देने के लिए जो माहौल चाहिए था कि उसको शांतिपूर्ण ढंग से लिखना, उसको लाइट का व्यवस्था, उसको RO के पानी के पीने का व्यवस्था, ये सब हमने स्पेशली उन लोगों के लिए किया। कैंपस की सफाई किया कि बच्चे घुसेंगे इसमें तो हमारा कैंपस साफ सुथरा रहेगा, तो बच्चे का मूड फ्रेश रहेगा। CCTV और हाँ CCTV की निगरानी में हुआ और बराबर वीडियोग्राफी चलता रहा, ये है ना। और यहाँ का जो प्रशासन है, और ये मैडम है हम लोग के मजिस्ट्रेट हैं प्रतिभा कुमारी, इनका काफ़ी योगदान, बहुत अच्छा योगदान। एक और प्रतिभा को ये संगीता कुमारी और प्रशांत कुमार, ये लोग यहाँ मजिस्ट्रेट के रूप में थे, इतना अच्छा सहयोग हुआ। ये हमको लगा नहीं कि हम परीक्षा संचालन कर रहे हैं। और इसके अलावा बता रहे हैं आपको, मेरे जो सहकर्मी हैं उसकी मैं तारीफ करूँगा कि उन्होंने इस परीक्षा के संचालन में हमको एक टीम के बराबर भी कष्ट होता वो भी नहीं होने दिया। सारे पेपर्स पर, सारे रिपोर्ट, सारे समय पर कॉपी पहुंचाना, सारे समय पर क्वेश्चन पहुंचाना, ठीक ना, क्वेश्चन को वगैरह को सील करना, सारा काम ये लोग, जैसा मैंने बंटवारा किया था उस काम के अनुसार उन्होंने बहुत अच्छा ढंग से। ऐसा अभी हमारे संज्ञान में भी आया सर कि कुछ शिक्षकों के द्वारा अभी इस तरह का बात किया गया है कि उन्हें पैसा नहीं प्राप्त हुआ है, तो ये पैसा कैसे प्राप्त होगा और कितने दिनों में सर? हाँ, ये बड़ा अहम प्रश्न आपने किया है कि हम पैसा समय पर नहीं दे पाए अपने शिक्षकों को, जिसके लिए मैं एक तरह से गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मेरे यहाँ ड्राफ्ट के माध्यम से परसों ही 20 तारीख को हमको ये ड्राफ्ट प्राप्त हुआ है। 20 तारीख को हमने बैंक दिया, वो ड्राफ्ट क्लियरेंस हुआ है। आज सैटरडे था, फोर्थ सैटरडे, जिसके कारण बैंक बंद था। बैंक वाले के हम चेक भेजे थे, लेकिन वो चेक क्लियरेंस नहीं हो सका। और लेकिन हमने उसका सब्स्टिट्यूट निकाला, और गवर्नमेंट का भी अब नियम आ रहा है कि डायरेक्ट टू अकाउंट है ना, तो डायरेक्ट टू अकाउंट जब है तो हमने सारे शिक्षकों का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नाम, स्कूल का पता, हमने सब रिकॉर्ड ले लिया है। जैसे ही पैसा क्लियरेंस होगा सभी शिक्षकों के खाते में डायरेक्ट चला जाएगा। किसी को उन लोगों का जो सहयोग है
है ना, बहुत ही सराहनीय रहा है। खासकर महिला शिक्षक लोग थी कि लड़कियों को जो चक वगैरह का काम होता है इतना तत्परता से की है कि हम उसके बहुत लोगों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि शांतिपूर्ण और कदाचार रहित परीक्षा को संचालन करने में हमको बहुत योगदान मिला। क्या नाम पड़ेगा सर और आप किस स्कूल से? मैं इसी स्कूल का अभी प्रभारी प्राध्यापक हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है और यहाँ का कोड जो है 619161 कोड है छपरा जिला का। अभी मैं राजेश जी से बात कर रहा था और यहाँ के कदाचार मुक्त परीक्षा के बारे में जाना और कुछ कमियाँ रही थी जैसे शिक्षकों का पैसा नहीं मिलने के कारण थोड़ा सा वो असंतोष महसूस कर रही थी, मगर सर ने साफ तौर पे कहा है कि उनके खाता नंबर ले लिया गया है और जल्द खातों में पैसा दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं प्रशासन अमनौर प्रशासन की भी भूमिका यहाँ काफ़ी सराहनीय रही। दंडाधिकारी के रूप में यहाँ के CO साहब काफ़ी सहयोग दिए हैं और आज मैट्रिक की परीक्षा कदाचार मुक्त अमनौर इंटर कॉलेज में संपन्न कराने में राजेश जी की काफ़ी भूमिका रही।